अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्ताफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉर्ट टिप्स। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि यार कॉल और डाटा फिक्स पे कोई ना कोई वीडियो बना दें। तो फाइनली कॉल और डाटा का जो सोल्यूशन है वो आ गया है, प्रॉपर नहीं आया। कुछ डिवाइसेस के लिए हैं जो पहले से बाईपास डिवाइसेस हैं उन पर नहीं आया, जो पासवर्ड लॉक्ड हैं उन पर आ गया है। तो फाइनली इसकी जो विंडो टूल है वो भी आ गई है, मैंने डाउनलोड कर ली है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रहा इसका जिप फाइल और मैंने इससे जिप से एक्सट्रैक्ट करके रख ली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर इनेबल कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा, इसको ओपन कर लें और यहाँ पर चार फाइल आपको मिल जाएगी। सिंपल यहाँ पर एक बैच फाइल है और यहाँ पे हाउ टू यूज़ है कि आपने इस टूल को किस तरह से यूज़ करना है, और ये रही बैच फाइल। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे iOS 13.2.3 बाईपास होगा यहाँ पे, और नंबर टू पे जो है 13.3 से जो ऊपर वर्जन है उनको आप बाईपास कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो है ऑप्शन इसके अंदर मजीद ऐड किया गया, एक्टिव कॉल एंड SMS फिक्स ओनली डिसेबल पासवर्ड मोड। ठीक है, अगर आपका फ़ोन डिसेबल है या पासवर्ड मोड में है तो उसमें कर सकते हैं। तो मेरे पास iPhone 7 Plus है और ये जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं इस टूल से बाईपास करूँगा। मेरे पास आज कोई डिसेबल या पासवर्ड प्रोटेक्टिव फ़ोन नहीं है, लेकिन आप इस टूल से काम कर सकते हैं। ये टूल 100% काम करती है और इसको मैं फ़िलहाल इस टूल से बाईपास करके दिखाऊँगा आपको। तो उससे पहले मैं आपसे आपको बता दूँ इस टूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए हाउ टू यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपने जो है पाइथन 2.7 इंस्टॉल करना है, ये रहा। और उसके बाद जो है चेकरेंट से आपने अपनी डिवाइस को जेल ब्रेक करना है, मेरी डिवाइस ऑलरेडी जेल ब्रेक्ड है। उसके बाद आपने बैच टूल को रन करना है और सिलेक्ट वर्जन दैट यू वॉन्ट टू बाईपास। ठीक है, तो अगर मेरा 13.2 है तो मैं 1 करूँगा और 3 है तो 2 करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए उन्होंने वार्निंग दी हुई है, रन ऑप्शन 3 2 टाइम फॉर कम्प्लीटली, ठीक है, बैकअप एक्टिवेशन फाइल। ठीक है, अगर जो है आपने बैकअप लेना है एक्टिवेशन फ़ोन से, अगर आपने बैकअप लेना है तो आपको जो है ये जो नंबर 3 वाला है यहाँ पे भी लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 टाइम। ठीक है, रन नंबर 3 ऑप्शन एटलीस्ट 2 टाइम टू गेट एक्टिवेशन फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन दी हुई है, बाईपास पासवर्ड एंड गेट सिम वॉक। ओके, यहाँ पे उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन दी है, मेक श्योर योर डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल iTunes एंड पाइथन एंड iTunes जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो सिम वर्क करेगी, मेक श्योर योर डिवाइस ऑन डिसेबल और पासवर्ड मोड। ये डिसेबल और पासवर्ड मोड पे होनी चाहिए, जिस तरह ये है मेरा फ़ोन, ये मैंने पहले बाईपास किया था, इसको रीसेट कर दिया, सॉफ्टवेयर किया। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल ये काम नहीं करेगी, ये टूल उन्हीं पे काम करेगी जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं या डिसेबल हो चुके हैं। तो उसके बाद इसका प्रोसीजर ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये टोटली प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड फ़ोन को किस तरह से प्रॉपर एक्टिवेट करना है। ठीक है, उन्होंने वही कहा है कि मस्ट जेल ब्रेक यूजिंग चेकरा फर्स्ट, इसके बाद एंटर ऑप्शन 3 टू बैकअप फाइल, मेक श्योर यू सी डाटा एंड फाइल इन मैजिक फोल्डर। मैजिक फोल्डर कहाँ पे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ पे ये देखिए मैजिक, और यहाँ पे ये 4 फोल्डर, यहाँ पे इसके अंदर एक फाइल दी हुई डमी और 3 के अंदर भी कुछ लाइब्रेरी की फाइल है। तो यही वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो उसके बाद फोल्डर 3 और 4, ठीक है, और ये सी के अंदर वो कह रहा है कि कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये रन अगेन ऑप्शन 3 इफ़ फोल्डर इज़ एम्प्टी। ठीक है, अगर 3 और 4 फोल्डर के अंदर कुछ फाइल नहीं आती, ये जो फोल्डर हैं दो मैजिक के अंदर, इनके अंदर अगर कोई फ़ाइल नहीं आती तो आपने जो है ऑप्शन 3 और 4 को दोबारा, ऑप्शन जो 3 है उसको दोबारा से रन कर देना है ताकि वो फाइलों को गेट कर सके, कंप्यूटर में रख सके, बैकअप कर सके। उसके बाद जो 3rd नंबर पे है रीस्टोर डिवाइस एंड इंस्टॉल चेकरेंट, आपने अपनी डिवाइस को अपने उसी सॉफ्टवेयर से रीस्टोर करना है और उसके अंदर जो है चेकरेंट से उसको जेलब्रेक कर लेना है। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है एंटर 4 ऑप्शन टू रीस्टोर एक्टिवेशन फाइल। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जो आपने बैकअप ली होंगी फाइल वो हो जाएंगी। उसके बाद आपने सिंपल अपने फ़ोन को क्या करना है, यहाँ पे सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाईपास योर डिवाइस, चूज़ बाईपास ऑप्शन, जो भी आपकी डिवाइस होगी उसके मुताबिक आप उसको बाईपास कर लीजिएगा और आपका जो है
प्रॉपरली काम कर लेगा। तो चले मेरा जो है आईफोन 7 प्लस है और इससे टूल से मैं इसको सिर्फ बाईपास करके दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड फ़ोन या डिसेबल कोई भी नहीं है फ़िलहाल। तो इस टूल को मैंने ओपन कर लिया तो ये जो है फॉरवर्डिंग आ गया, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे ये देखें जो है मेरा 13.4 है तो मैं सेकंड नंबर 2 यहाँ पे प्रेस करूँगा। ठीक, नंबर 2 प्रेस करके मैं अपने फ़ोन को पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा फ़ोन कनेक्टेड है और मैं नंबर 2 प्रेस करता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ और एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि आप वाई प्रेस करें, मैं यहाँ पे वाई प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो फ़ोन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी सेटिंग करके। ये टूल प्रॉपरली काम करती है, मैं अपना वाईफाई जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ। तो मैंने अपने फ़ोन को वाईफाई लगा लिया और मैं सिंपली नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करते ही हमारा जो फ़ोन है वो ये देखिए मेरा फ़ोन जो है वो बाईपास हो चुका है। तो यहाँ इस टूल से इसको बाईपास करने का मकसद नहीं था, मकसद था आपको बताना कि ये टूल प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है, तो मेरा जो फ़ोन है वो बाईपास हो चुका है, तो मकसद ये था कि आपको बताना कि ये टूल प्रॉपर काम करती है और मेरा जो फ़ोन है वो 100% बाईपास हो चुका है। अगर आपके पास कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड या डिसेबल फ़ोन है तो उसको आप जो है उसकी कॉल और डाटा जो है वो फिक्स कर सकते हैं, 100% काम करता है। मैंने इससे एक फ़ोन किया भी है, बहुत सिंपल। आप यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे 0 to help, अगर आप 0 यहाँ पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटली सारी की सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और यहाँ पे टोटली हर चीज़ की आपको इंस्ट्रक्शन लहदा से मिल जाएगी ऑलरेडी इंस्टॉल। ठीक है, आप यहाँ से एक दफ़ा पढ़ लें, पढ़ने के बाद तसली से आप ये काम करिए, प्रॉपर 100% काम करती है। कुछ लोगों के पास मैकबुक नहीं है और मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि यार हमें बताएं हम मैकबुक मोहावे इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पीसी में। तो ये टूल उन लोगों के लिए जिनके पास मैकबुक है उनके लिए मैकबुक की जो है टूल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा सिंपल है। लेकिन अगर आपके पास मैकबुक नहीं है तो विंडो पर भी ये काम बहुत आराम से किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।